इज दिस क्लियर बच्चों? सर। राइट, सो नाउ अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया है 5 के। सो नाउ कैन वी फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? कैन वी फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? यस सर। व्हाट विल बी साइन थीटा नाउ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, के कैंसल, सो इट विल बी 3/5। व्हाट विल बी कॉस थीटा? टेल मी बच्चों, व्हाट इज कॉस थीटा? बी बी ओवर एच ओवर एच। व्हाट इज बी? 4K 4K/5K, सो इट कम्स आउट टू बी 4/5। व्हाट विल बी टेन थीटा? ओवर पी ओवर बी, सो के कैंसल, इट विल बी 3/4। नाउ टेल मी व्हाट विल बी सीकेंट थीटा? व्हाट विल बी सीकेंट थीटा? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। हु सेज दिस? प्लीज रेज योर हैंड। किस बच्चे ने बोला है ये बेटा? बेटा सीकेंट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल नहीं होता बेटा। राइट, सो व्हाट इज कॉस थीटा? 4/5, सो दिस विल बी इक्वल टू 5/4। व्हाट इज कोसेकेंट थीटा? दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सो इट विल बिकम 5/3। राइट बच्चों, इज इट क्लियर? यस नाउ व्हाट लेफ्ट? कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों? टेन थीटा का, तो दिस विल बिकम 3/4, रेसिप्रोकल विल बी 4/3। सो दिस इज अ फर्स्ट थिंग इन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करनी है, कैसे साइड्स फाइंड आउट करनी है, राइट? दिस वाज अ बिल्कुल बेसिक चीज थी हमारे पास इस टॉपिक में। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सब लोगों को असाइनमेंट मिल गई है जी? बच्चों सब लोगों को असाइनमेंट मिली है या नहीं मिली है? राइट, यस सर। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन द असाइनमेंट? बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है असाइनमेंट में? यस बच्चों, बताएंगे आप लोग? मॉड्यूल 1 है आपके पास, प्रूव द फॉलोइंग। यस सर, तो प्रूव द फॉलोइंग जो है हमारा 8.3 एक्सरसाइज के बेसिस पे है। तो हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन व्हाट वी हैव टू फाइंड? फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा। दिस वैल्यू वी हैव टू फाइंड। अब सबसे पहली चीज है, आपको क्या गिवन है? 4 tan थीटा। नाउ यहां से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं जी। व्हाट विल बी टेन थीटा? 4 विल बी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। अगर हम दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला 4 कैंसल हो जाएगा और राइट साइड पे 3/4 आ जाएगा जी। यस बच्चों, यस सर। सो आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई है, यस और नो? अब हमें जो क्वेश्चन फाइंड आउट करना है उसमें हमें क्या चाहिए? साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू।
इस क्वेश्चन को करने के दो वेज हैं। पहला वेज तो है कि आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है बच्चों, व्हाट इज टेन थीटा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज की टर्म्स में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ जो ऊपर वाली टर्म है दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू परपेंडिकुलर, तो लेट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपके पास, 3k एंड 4k, राइट बच्चों। इज दिस क्लियर। हाँ नाउ अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, सेम वैल्यूज थी, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना आया था, 5k। आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया, यहां से आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, पी बाय एच, व्हाट इज पी, एंड व्हाट इज कॉस थीटा, बी बाय एच, इट विल बी 4/5। सो अब आपने करना क्या है, यहां पे इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कोई डाउट बच्चों यहां तक, कोई डाउट। अब इसको सॉल्व करेंगे जी, 4 × 3/5 क्या बन जाता है जी, 4 ये स्टेप किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज टेल मी, ये स्टेप सबको क्लियर है, इज दिस क्लियर और नॉट। सर तो 12/5 माइनस 4/5 क्या बच जाएगा हमारे पास, 8/5, ठीक है जी। इसको सॉल्व किया, 5 और 5 कैंसल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद 8/16 विच इज 1/2। हमारे पास चॉइस है बेटा 1/2, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। इज इट क्लियर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। इज दिस इम्पोर्टेंट टू पुट के इन एवरी इक्वेशन के? इंपॉर्टेंट टू पुट के, हाँ यस मैंने कल भी बताया था बच्चों क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपको 3/4 वैल्यू गिवन है टेन थीटा की, ये दो साइड्स की रेशियो है, ये यूनिट्स नहीं है। अगर आपको गिवन है 3 यूनिट्स, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर या 4 मीटर, देन आपको के नहीं पुट करना है। अगर आपको 3/4 रेशियो गिवन है, सो देन ये जरूरी नहीं है कि ये 3/4 ही हो, 3 और 4 हो वैल्यूज, इट कैन बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। यस्टरडे मैंने एक्सप्लेन किया था कि इट कैन बी 6/8, इट कैन बी 12/16। हैव आई एक्सप्लेन दिस, कल मैंने बताया था बच्चों या नहीं है? डी से कुछ बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। एनीवे सो बेटा आपको के जरूर पुट करना है। एक तो मेथड ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का, एक और मैं मेथड बताता हूँ इसको क्वेश्चन को करने का। देखिए बच्चों आपको क्वेश्चन गिवन है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, एंड फाइंड क्या करना है, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर हम ये वाला पार्ट ना करें, ट्रायंगल लेके इसकी वैल्यूज ना निकालें, तो वी कैन आल्सो डू दिस क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। हम कैसे करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें,
तो ये क्या बन जाएगा, फोर टेन थीटा माइनस वन अपॉन फोर टेन थीटा प्लस वन। उसके बाद आप स्ट्रेट अवे वैल्यू पुट कीजिए टेन थीटा की, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए किस तरह से जी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो जब आपने दोनों को डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, फोर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये स्टेप सबको समझ आया बच्चों? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, विल इट मेक ए डिफरेंस, यस और नो बच्चों, विल इट मेक ए डिफरेंस? सेक्शन सी एंड डी कुछ कह रहे हैं बट वॉइस इज नॉट क्लियर। सो एनी वे बच्चों, इसका कोई डिफरेंस नहीं बनेगा, आपने दोनों को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। सो फर्दर यू कैन राइट इट, ठीक है बेटा, हमने अलग अलग कर लिया, देन आल्सो देर इज नो डिफरेंस, सेम टर्म डिनोमिनेटर में आ गई आपके पास। ये कैंसल हो गया जी, ये भी कैंसल हो गया, सो दिस बिकम्स फोर टेन थीटा माइनस वन। अब आप स्ट्रेट अवे टेन थीटा की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या वैल्यू है जी टेन थीटा की, 3/4, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 × 3/4 − 1। ठीक है बच्चों, ये 4 से 4 कैंसल हो गया, 3 − 1 = 2 एंड 3 + 1 = ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट करेक्ट? तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो, राइट जी? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको sin 77 की वैल्यू गिवन है। ओके बेटा ये क्वेश्चन हम तब करेंगे जब हमारे पास, चलिए मैं करा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड तो हम तब करेंगे जब आप आइडेंटिटीज कर लेंगे, सो थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। वो तो थर्ड क्वेश्चन है। हाँ जी थर्ड ही कर रहे हैं बेटा, सेकंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड के लिए हमें ना थर्ड एक्सरसाइज जब हम कर लेंगे तो हमें तब करना है। ये हमारे असाइनमेंट में थर्ड क्वेश्चन कौन सा वाला बेटा? हाँ वो 77 डिग्री वाला। थर्ड ही करा रहा हूँ बेटा, मैं सेकंड नहीं करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपकी थर्ड एक्सरसाइज के बेसिस पे है, तो उसको मैं नहीं ले रहा हूं अभी, राइट? सो थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी, देखिए जरा। इफ sin 77 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, देन फाइंड tan 77 डिग्री। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? तो अब कैसे करना है, देखिए हमें sin 77 की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स, और फाइंड क्या करना है, tan 77। किस तरह से करेंगे जी, आप क्या करो, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या लीजिए, लेट थीटा इज 77 डिग्री, तो आपके पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज एक्स, तो आपको फाइंड क्या करना है, टेन थीटा। यहां तो कोई डाउट, इज दिस क्लियर बच्चों? अब साइन थीटा इज एक्स, कैन वी राइट एक्स अपॉन वन?
कैन वी राइट एक्स अपॉन वन? नाउ बना लीजिए अपना राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों, दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री, तो साइन थीटा इज एक्स अपॉन वन। तो आपके पास ये जो है एक्स हो जाएगा बच्चों। अब यहां पे आप एक्स के भी ले सकते हो, वन भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वन के और हम के ले या वन वन ले बताइए जरा। यहाँ पे अगर आप के नहीं भी लेते हैं तो चल जाएगा, रीजन इज बिकॉज इट इज अ वेरिएबल, इज इट क्लियर? सो हम दोनों जगह पे एक्स और वन ले लेते हैं वैल्यू। यहां तो क्लियर है बच्चों, यस और नो? देखिए साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, पी अपॉन एच। तो आपने इसको कंपेयर किया एक्स बाय वन से, तो पी आपके पास एक्स हो गया और एच आपके पास, सॉरी इट इज एच, एच इज वन, ठीक है जी, इज दिस क्लियर? तो नाउ अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, बेस। बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? सो आपको बी फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है आपके पास, वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस बिकम्स बी स्क्वायर। और बी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, राइट? इज दिस क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट? बेटा ए सेक्शन से कुछ आपका डाउट है या ओके है? ओके, तो हमारे पास बेस आ गया बेटा। नाउ फाइंड क्या करना है हमें, टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल होता है जी, पी अपॉन बी, व्हाट इज पी, एक्स, इज इट क्लियर, इज दिस क्लियर बच्चों? तो आपके पास चॉइस कौन सी आएगी, टी, राइट? क्लियर है जी, इज इट क्लियर बच्चों, राइट? चलिए हम और क्वेश्चन लेते हैं जी। अब आ जाइए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन इज इफ ए इज एन एक्यूट एंगल सच दैट टेन ए इज इक्वल टू 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + tan A क्लियर है बच्चों ये चीज, यस और नो? अब इसमें आपको टेन ए गिवन है 2/3, अगेन फॉर्म से राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ दिस विल बी द, अब देखिए हमें एंगल ए गिवन है, सो आप ये वाली जो वर्टेक्स है दिस यू विल टेक ए, दिस इज बी, दिस इज सी, क्लियर है जी बच्चों? नाउ टेन ए 2/3, तो टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस साइड विल बी, क्लियर है?
तो फटाफट से फाइंड आउट कीजिए हाइपोटेन्यूज क्या है, जल्दी से मुझे करके बताइए जरा। अंडर रूट था 3। अंडर रूट 13 के। यस, समबडी हैज टोल्ड मी अंडर रूट 13 के, जो बिल्कुल ठीक है जी। अगेन हमने फार्मूला लगाया, जिन लोगों को नहीं हो समझ आया, देखिए बच्चों, 2 के होल स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर दैट इज 4 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, √13 के होल स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी आ गई, राइट? नाउ यू कैन फाइंड टेन साइन कॉस कॉट सीकेंट कोसिकेंट एवरीथिंग, तो सब कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम चलिए वैल्यूज निकाल लेते हैं सबकी जी। टेन ए तो आपको गिवन है, टेन इज गिवन, साइन ए विल बी, व्हाट विल बी साइन ए, जी बट वो अभ्यास 2/√13, राइट? कॉस ए विल, राइट बच्चों, साइन ए इज 2/13, कॉस ए इज 3/13, सीकेंट ए क्या होगा, प्लीज टेल मी सीकेंट ए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दैट विल बी कॉसेकेंट ए, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, राइट? टेन ए गिवन था तो कॉट ए विल बी 3/2। अब सबकी वैल्यूज यहां पे लिख देते हैं हम और कॉल कर लेते हैं जी। तो 1 + tan A अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, 2/√13 प्लस 3/√ बेटा कुछ डिस्टरबेंस चल रही है, कोई डाउट्स हैं प्लीज, आप लोगों की थोड़ी आवाज मुझे क्लियर नहीं है, इसलिए आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट आप क्या चाह रहे हैं जी। या तो आप मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे, थोड़ा क्लियर हो आवाज, माइक के पास आके देख लीजिए अगर आवाज क्लियर आ रही है। नहीं, आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट, आप चैट में डाल दीजिए आई थिंक, अगर चैट में पॉसिबल नहीं होगा। ओके okay. नहीं नहीं बेटा, नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। आई एम रियली सॉरी बेटा, मेरे को आप लोगों की क्लियर आवाज नहीं आ रही है, कुछ डिस्टरबेंस तो आ रही है कि कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोग, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हेलो हेलो, हाँ जी बेटा, आप सेक्शन डी से कोई कोशिश तो कर रहे हैं पर आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। हाँ टेक्नोलॉजी इज नॉट, हेलो, नो, रियली सॉरी बच्चों, रियली सॉरी, आवाज नहीं आप लोगों की, सो आई हैव टू कंटिन्यू। सो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें कॉट थीटा की, दैट इज 3/2 अपॉन सीकेंट ए √13 अपॉन 3 प्लस, सारी वैल्यूज आ गई बच्चों, तो मैं ये वाला पार्ट जो है कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए कुछ। सेक्शन डी वाले कुछ कोशिश कर रहे हैं लेकिन आवाज, बेटा बाकी सेक्शन से देखना कुछ बोल के कि आवाज आ रही है। सेक्शन ए स्पीक समथिंग,
आर्य आवाज। हाँ सेक्शन सेक्शन ए से मुझे आ रही है आवाज। सेक्शन बी हाँ सेक्शन डी की आवाज क्लियर नहीं है। सेक्शन सी बच्चों सेक्शन सर, सी हाँ सेक्शन सी भी क्लियर है। देर इज सम इश्यू इन स्पीकर ऑफ सेक्शन डी। 10th डी में कुछ इश्यू आ रहा है। यस सेक्शन ए बी सी आप लोगों को बेटा कोई डाउट कोई चीज नहीं क्लियर है। यस नोबडी वांट टू स्पीक समथिंग। जहां पे आवाज आ रही है वहां से कोई बोल नहीं रहा है। जहां आवाज नहीं आ रही है दे वांट टू कम्युनिकेट। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व किया बेटा। एलसीएम लिया हमने पहले। डिनोमिनेटर में एलसीएम विल बी √13। मल्टीप्लाइड बाय अगेन एलसीएम। हियर एलसीएम विल बी 6। इट विल बी √13 प्लस √13 राइट। इसको फर्दर सॉल्व किया जी 5/3 अपॉन 5/√13 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 अपॉन 3+2 5√13 अपॉन 6 राइट। स्टूडेंट्स यहां तो कोई डाउट कैलकुलेशन में नोट राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम 5/3। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ठीक है जी। एंड दिस टर्म -1/2 इनटू अगेन रेसिप्रोकल। सो √13 कैंसल। 5 से 5 कैंसल जी। 3 2 2 से 2 कैंसल। सो आंसर विल बी -1। चॉइस है जी -1 यहाँ पे। हाँ -1/5। 5 इज मिसिंग। यस सम 5 वेयर इज 5 दिस इज 5। यस 5 वाज देयर इट वाज मिस्ड सो इट विल बी -1/5। इज इट क्लियर। इज इज क्लियर बच्चों। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट करना है तो आप कर सकते हो। यस बच्चे चलो आगे। हाँ जी बेटे हाँ जी बच्चों बोलिए जी। कोई बच्चा कुछ बोलना चाह रहा था। राइट बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें वैल्यूज चाहिए बेटा जो हम सेकंड एक्सरसाइज में करेंगे। सो वी लीव इट नाउ। अनदर क्वेश्चन व्हाट वी कैन डू इफ वी कम टू द मॉड्यूल 2 राइट देन। ओके वी डू सम अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए क्वेश्चन इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 4/5 राइट। इफ टेन थीटा इज गिवन 4/5
फाइंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट बच्चों? हाउ टू फाइंड आउट दिस वैल्यू? टेन थीटा इज गिवन, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा हेयर, नाउ सॉल्व दिस एंड फाइंड आउट इट्स वैल्यूज. Solve this and find out its values. Yes, bacho, done. नाइन ओवर 41. 25 माइनस 16, नाइन, राइट? यस, 9 ओवर 50 41. ठीक है बच्चों, नीचे और ऊपर दोनों एलसीएम ले लिया बेटा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में. So this will become 9 upon 25, 41 upon 25. इसको सॉल्व करने का वे 9 by 25 मल्टीप्लाइड बाय विच विल बी इक्वल टू, राइट स्टूडेंट्स? राइट, यस सर. स्टूडेंट्स, आप लोगों को वैल्यूज याद है कुछ बेसिक साइन कॉस की और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर दीज इंपॉर्टेंट एंगल्स? यस और नो? यस. कैसे निकालते हैं बच्चों वैल्यूज? Do you know how to find out these values? देखिए स्टूडेंट्स, जब आपको साइन की वैल्यू निकालनी है तो आप यहां पे जीरो से स्टार्ट कीजिए. राइट? और कॉस का जो है वो रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कीजिए. 4, 3, 2, 1 एंड 0. आप क्या कर रहे हैं, सारी टर्म्स को डिवाइड बाय 4. राइट, नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द टर्म्स. ठीक है बच्चों, सारी टर्म्स की आपने वैल्यूज फाइंड आउट कर रही है. नाउ 0 upon 4, व्हाट विल बी दिस? जीरो. आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें, इट विल बी जीरो, और स्क्वायर रूट ऑफ जीरो विल बी जीरो. व्हेन यू टेक 1 by 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1, कैन वी राइट लाइक दिस सेपरेटली? स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 एंड 4 इज 2, तो व्हाट विल बी द वैल्यू? राइट, नाउ कम्स टू द 2 by 4. 2 will be cancelled out, so this will be
क्लियर? दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ रूट बी अपॉन फोर, इट कैन बी रिटर्न सेपरेटली एंड रूट फोर विल बी इक्वल टू टू, तो इस वैल्यू विल बी 4/4 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी 1। अब सेम वैल्यूज है वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड क्लियर है जी? इज दिस क्लियर? यस और नो? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या थी? 0, 1/2। व्हाट इज द 1/2 इन डेसिमल्स? व्हाट इज 1/2 इन डेसिमल्स? 0.5। 0.5। नाउ दिस इज 0, 0.5। व्हाट विल बी 1/√2 डेसिमल्स में? अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, व्हाट विल बी दिस वैल्यू? देखिए इसको इजी करने के लिए आप क्या कीजिए, इसको अगर हम रैशनलाइज कर देते हैं तो दिस विल बी दिस, यस और नो? इज इट क्लियर? देखिए आप 2 को ऊपर रूट ले लीजिए, नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। √2 की वैल्यू होती है 1.414, इट कम्स आउट टू बी 0.707, राइट जी? इज इट क्लियर? सो द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री इज 0.707, राइट? 60 डिग्री की वैल्यू √3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.732, एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.866, इज इट क्लियर? एंड 90 इज 1। तो अब यहां पे अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें, साइन की जो वैल्यू थी 0 से स्टार्ट हुई, इट हैज मूव टू 0.5, 0.707, 0.866 एंड 1। तो ये इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? हाँ जी बच्चों, इंक्रीज हो रही है। और कॉस थीटा की वैल्यू 0 से जब एंगल इंक्रीज कर रहा है, जब एंगल इंक्रीज कर रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? साइन थीटा इंक्रीजेस, राइट? व्हेन थीटा इंक्रीजेस, ये चीज समझ आई बच्चों आप लोगों को या नहीं? कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्या बात? बिल्कुल, मतलब समझ आया नहीं आया बेटा, कुछ तो आप बोलिए ना। माइक की प्रॉब्लम 10D में है, ए बी सी कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ। जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं, मतलब जो बताना चाहता हूं, वो ये है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, और ये क्यों बढ़ती है और कैसे बढ़ती है, देखिए मैं इसका एक और अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, ये हमने एक बच्चों सर्कल बना दिया, राइट? लेट से दिस इज एंगल थीटा, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट? लेट्स दिस इज ओ, दिस इज ए, इज इट क्लियर? नाउ जब एंगल इंक्रीज हुआ, परपेंडिकुलर की लेंथ इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई जी? व्हेन एंगल इज इंक्रीजिंग, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज? थिंक ओवर इट।
सिंह। रिमेन सेम, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। किस स्टूडेंट ने बोला, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी, कहाँ से आवाज आई है? सेक्शन सेक्शन बी से। यस, वेरी गुड स्टूडेंट, राइट। सो पी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है बट एच की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर पी इंक्रीज हो रहा है और एच कांस्टेंट है तो साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। साइन थीटा के इंक्रीज होने पे पी इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? इफ थीटा इंक्रीजेस पी आल्सो इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा जी। डायरेक्ट रिलेशन हो गया बेटा। देखिए, इफ थीटा इंक्रीजेस, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इंक्रीजेस, ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया बेटा या नहीं हो गया? यस, थीटा इंक्रीज कर रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है, परपेंडिकुलर की लेंथ इंक्रीज कर रही है। सो देयर फोर साइन थीटा क्या करेगा बेटा? साइन थीटा आल्सो इंक्रीजेस विद। सर हाँ जी बच्चे, इज इट क्लियर? जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। बट ऑन द अदर हैंड, अब आप कॉस थीटा पे आ जाइए। व्हेन थीटा वाज स्मॉलर, दिस वाज द लेंथ ऑफ द बेस। जब थीटा इंक्रीज हुआ तो बेस की लेंथ इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है जी? डिक्रीज प्लीज। हुई है। हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट है? हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट है? नहीं है बेटा। तो क्या होगा जब थीटा इंक्रीज कर रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। देखिए, 1 से 0 पे आ गए, राइट? सो प्लीज राइट दिस स्टेटमेंट इन बोल्ड। व्हेन थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस। व्हेन थीटा इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस। नंबर टू, व्हेन थीटा इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। राइट स्टूडेंट्स, लिख लिया आप सबने जी? यस और नो? स्टूडेंट यस यस नाउ। अब आ जाइए टेन थीटा पे। व्हाट इज टेन थीटा? व्हाट इज टेन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब थीटा इंक्रीज हुआ, देखिए जब थीटा यहाँ पे था, वैल्यू ये थी, तो दिस वाज परपेंडिकुलर। हाँ जी बच्चों, टाइम टाइम इज ओवर। इज ओवर। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट ऑन मंडे नाउ एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर ओनली।